सो प्रीवियस सेक्शंस में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर. ओके, नाउ इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होती है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी और कैसे हम लोग ये एनालाइज करते हैं कोई फंक्शन हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है या नहीं. ओके, सो इसको करने के भी हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक होता है हमारे पास ग्राफ का मेथड और एक होता है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को एनालाइज करते हैं. ओके, तो जब कभी भी आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और आप उस ग्राफ के अंदर ये ऑब्जर्व करें कि क्या आपके पास कोई एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है. कॉर्नर पॉइंट का मतलब कोई एक किंक मिल रहा है आपके पास. अगर किसी भी फंक्शन के अंदर कोई कॉर्नर पॉइंट या फिर कोई किंक आपको ऑब्जर्व होता है देन वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, जनरली जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को एनालाइज करते हैं वो हम चेक करते हैं यूनिक टेंजेंट्स के माध्यम से. ओके, अगर आपको किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देन आप लोग उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए. अगर आप लोग सिंगल एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं जिसका स्लोप आपके पास फाइनाइट आना चाहिए, अगर आपके पास सिंपली एक यूनिक टेंजेंट आती है विद फाइनाइट स्लोप देन वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा. और अगर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पिक किया और वहाँ पे आपने बहुत सारी टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लिया या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास एक ऐसी टेंजेंट मिल रही है जिसका स्लोप आपके पास फाइनाइट नहीं है देन वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ओके, सो ये सब कुछ है तरीका हमारे ग्राफ्स को एनालाइज करके डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का. ओके, सो देखिए ध्यान से, ग्राफ्स को एनालाइज करके हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं. मान लीजिए आपके पास कोई तीन फंक्शंस गिवन है जिनके ग्राफ्स आपके पास कुछ ऐसे गिवन है. लेट से आपके पास एक फंक्शन ये रहा, आपको पता है कि ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है. ओके, एक फंक्शन मान लीजिए आपके पास ये रहा और लेट से एक फंक्शन आपके पास ये रहा. लेट से आपके पास ये जो फंक्शन है वो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है. ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स इज इक्वल्स टू ए पे आपके पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए पॉइंट को आप लोग पिक कर लें और कोशिश करें यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करने की. ओके, तो आपने लाइन ड्रॉ करी, आप बोलेंगे टेंजेंट बन गई, बट मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक्चुअली इन्फाइनेटली मैनी टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकता हूँ. इसलिए ये फंक्शन जो है हमारा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, बिकॉज इस फंक्शन क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट हमारी बन रही है वो यूनिक नहीं बन रही. ओके, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ एक्स इज इक्वल्स टू ए पे इस फंक्शन के ग्राफ में हमें एक दिख रहा है कॉर्नर पॉइंट या फिर एक किंक ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे. इसको हम किंक बोलते हैं, याद रखिएगा किंक कोई भी एक शार्प चीज होती है फंक्शन के अंदर. ओके, सो इस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे एक किंक ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू ए पे डिफरेंशिएबल तो नहीं है. ओके, सिमिलरली यहाँ देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आप हर एक पॉइंट पे देखिएगा आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, इसके अलावा कोई और टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा कोई और टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा कोई और टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, सिमिलरली इसके अलावा भी आप यहाँ पे कोई और टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. ओके, बट आप मुझे बताएं क्या ये टेंजेंट आपकी यूनिक है? तो हाँ, ये टेंजेंट आपकी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे यूनिक बनी है. और क्या इसका स्लोप आपके पास फाइनाइट वैल्यू है? तो ध्यान से देखिए, इसका स्लोप का मतलब एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो आपके पास बन रही है सिंपली जीरो. टेन जीरो आपके पास होता है सिंपली जीरो, जो कि फाइनाइट वैल्यू है. इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा जिस पॉइंट पे आपने ऑब्जर्व किया एक्स इक्वल्स टू जीरो पे इसका जो यूनिक टेंजेंट बन रहा है उस यूनिक टेंजेंट का जो स्लोप हमारे पास आ रहा है वो फाइनाइट भी आ रहा है. इसका मतलब ये फंक्शन हमारा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होगा, बिकॉज एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे इस फंक्शन की जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है. इनफैक्ट किसी भी पॉइंट पर अगर आप पिक करते हैं, मान लीजिए आपने ये वाला पॉइंट पिक कर लिया, तो इस पॉइंट पर जो आप यूनिक टेंजेंट बनाएंगे एक, उसका भी जो आपके पास स्लोप आएगा वो भी आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगी. इसका मतलब ये फंक्शन आप लोगों का डिफरेंशिएबल हर जगह पर है जहाँ जहाँ भी आपको ये चीज़ें डिफाइन होती हुई दिख रही हैं. याद रखिए, कभी भी आप लोग कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक नहीं करेंगे, बिकॉज कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्वियसली एक किंक बनेगा या फिर कॉर्नर पॉइंट बनेगा एंड देन वहाँ पे आप लोग इनफाइनेटली मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. इसलिए कभी भी कोई फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है मान लीजिए ऐसे, देन इन एंड पॉइंट्स पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा.
तो अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक भी करनी है इस इंटरवल के अंदर, तो आपको इसके बीच के सारे नंबर्स पर चेक करनी पड़ेगी। कभी भी आप लोग एंड पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबिलिटी को एनालाइज नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इन पॉइंट्स पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अगर हम बात करें उस फंक्शन की, थर्ड फंक्शन की, तो आप मुझे बताएं क्या एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे ये फंक्शन आप लोगों का डिफरेंशिएबल है? ध्यान से ऑब्जर्व करें इस चीज़ को आप लोग प्लीज़। तो आप मुझे बताएं कि x इक्वल्स टू जीरो पे ये फंक्शन आप लोगों का डिफरेंशिएबल है? ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू जीरो पे आपने जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी वो यूनिक बन गई यहाँ पे, बट ध्यान से देखिए इस टेंजेंट का एक्चुअल में स्लोप कितना है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है x एक्सिस का, तो बन रहा है 90 डिग्रीज का, और tan 90 जो आपके पास होता है वो कितना होता है, वो होता है आपके पास नॉट डिफाइंड। तो याद रखिएगा, ऑल दो आपके पास कोई यूनिक टेंजेंट बने, बट उस यूनिक टेंजेंट का आपके पास स्लोप जो होना चाहिए वो फाइनाइट भी आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ग्राफ के अंदर कोई कॉर्नर पॉइंट्स आपको ना मिले, या फिर कोई किंक आपको ना मिले, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट आपको मिल रही है वो यूनिक मिलनी चाहिए और उसका स्लोप आपके पास फाइनाइट होना चाहिए, देन आप बोल सकते हैं कि वो फंक्शन आप लोगों का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ओके, सो ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसको प्लीज नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर दो। ये भी फंक्शन आप लोगों का fx जो होगा नॉट ए डिफरेंशिएबल होगा एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज जो टेंजेंट आपके पास बन रही है उसका स्लोप आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही। ओके, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।